पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वहीं बीते दिन भवाली कैंची धाम में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके चलते कैंची मंदिर परिसर में भारी मात्रा में मलबा घुस गया है। वहीं बीते दिन मलबा आने के चलते अल्मोड़ा NH 87 को बंद कराया गया था और ट्रैफिक को खैरना में ही रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह तड़के से ही स्थानीय लोग और प्रशासन मंदिर परिसर और आसपास भरे मलबे को हटाने में लग गए हैं। इसके अलावा अब NH को भी खोला जा रहा है। बता दें कि बीती शाम भवाली कैंची क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारी भूस्खलन होने से तबाही आ गई। इस दौरान शिप्रा नदी का तेज बहाव मलबे में तब्दील हो गया। इसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास पड़ा मलबा पानी के साथ सड़क पर बहने लगा। इस मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी बनी रही। वहीं देर शाम तक मंदिर परिसर और मंदिर की पुरानी गुफा के अंदर काफी सारा मलबा जमा हो गया, जिसे आज तड़के से ही प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से हटाया जा रहा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।